सूरज तिवारी, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 से मैथ का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों को बेटा इस वीडियोस पर मतलब इस चैनल पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सारे लेक्चर मिलेंगे और जितने भी चैप्टर आपके मैथ के हैं सारे के सारे आपके रिकवर किए जाएंगे और आपको एक बेस्ट तरीके से जिस तरह से हम क्लास रूम में स्टडी करते हैं सेम आपको इस चैनल पर आपको टॉपिक मिलेगा। अगर आप लोग तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा, अगर आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने वाले हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11th से आप जितने भी त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं सबसे पहले आप उनको क्या करिए प्रिपेयर कर लीजिए, एक क्वेश्चन सीट बना करके आप उसमें फार्मूले लिख करके उसको क्या करिए लर्न कर लीजिए। क्योंकि बेटा जितने भी आपके त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं सारे के सारे फार्मूले का यूज हम करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में। तो जैसा कि क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन, फलन और संबंध और फलन करके एक चैप्टर पढ़े थे, तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे बेटा फंक्शन है क्या। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि हमारा फलन यानी कि फंक्शन क्या है, ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो मेरा पहला टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा आपका फलन। फंक्शन या इसी का दूसरा नाम देते हैं बेटा मैपिंग। तो फंक्शन क्या होता है सबसे पहले इसको जानेंगे। तो सपोज करते हैं कि आपको दो सेट दिए गए हैं और दोनों क्या बेटा आपके नॉट एम्प्टी सेट हैं यानी कि रिक्त समुच्चय नहीं है। जैसे मान लीजिए ए और बी, ए बेटा कोई दो आपके अरिक्त समुच्चय हैं। कैसे हैं अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय क्या होता है आपका एम्प्टी सेट या नल सेट, इंप्रिटी सेट या नल सेट। तो होता क्या है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसको क्या बोलते हैं बेटा अरिक्त समुच्चय, नाम से हो रहा है अरिक्त समुच्चय। तो यानी कि देखो रिक्त समुच्चय मतलब क्या होगा, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो क्या कहलाएगा आपका रिक्त समुच्चय। लेकिन बेटा यहाँ पे टॉपिक क्या बोला है कि ए और बी दोनों क्या हो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब रिक्त ना हो, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। बेटा अब बात कर लेते हैं कि अगर ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी संबंध के द्वारा समुच्चय बी के क्या हो अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, तो एक बेटा इसमें वर्ड आ रहा है अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या होता है यूनिक, यूनिक मतलब क्या होता है बेटा जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जैसे मान लीजिए आपके सूर्य हो गया सूरज, तो सूरज के समान संसार में कोई नहीं है। चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा के समान इस दुनिया में कोई नहीं है। पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के समान इस दुनिया में कोई नहीं, यानी कि क्या है बेटा अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब क्या जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो फिर से बात कर लेते हैं, अगर ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं और बेटा समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी संबंध के द्वारा समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं फलन कहते हैं। तो बेटा जो फलन है वो एक प्रकार का क्या है बेटा आपका रिलेशन है। फंक्शन क्या होगा रिलेशन होगा। तो थोड़ा सा रिलेशन के लिए हम बात कर लेते हैं बेटा, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या है ऐसा वाक्य या ऐसा कथन जो क्या करता है किसी दो ऑब्जेक्ट को जोड़ के रखता है वो क्या कहलाता है आपका रिलेशन कहलाता है। अगर मैथमेटिकल से मैं बात कर लें तो अगर बेटा ए और बी कोई दो क्या है आपके समुच्चय हैं, ए और बी कोई दो क्या है समुच्चय हैं, यदि बेटा हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें यानी कि ए क्रॉस बी, ठीक है बेटा, तो ए क्रॉस बी के किसी उप समुच्चय को हम क्या बोलेंगे इसका क्या होगा बेटा ए से बी में एक संबंध होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ए जी इज इक्वल टू आपको एक सेट दे दिया जाए 1 2 और बी इज इक्वल टू एक आपको सेट दिया है बेटा आपका 2 4। अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा 1, 2 और 1, 4, ये क्या होगा 2, 2 और 2, 4, ये क्या बेटा आपके ए क्रॉस बी हमने निकाला। रिलेशन की बात, रिलेशन क्या होगा अगर ए और बी कोई दो बेटा अरिक्त समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी के किसी सबसेट को, सबसेट मतलब क्या होगा बेटा कि सपोज सबसेट की डिफिनेशन दे लेते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है सबसेट। अगर ए और बी कोई दो बेटा क्या है आपके समुच्चय हैं, ठीक, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अगर समुच्चय बी में उपस्थित है तो उसे क्या कहते हैं बेटा ए को बी का क्या कहते हैं सबसेट कहते हैं। इसे क्या करते हैं बेटा इसे ए
सबसेट ऑफ बी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो उपसमुच्चय समझ में आ गया। उपसमुच्चय की डिफिनेशन एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। यदि ए और बी कोई दो क्या बेटा अरिक्त समुच्चय, मतलब कोई दो समुच्चय है, तो अगर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ए को बी का सबसेट कहते हैं। इसे ए सबसेट ऑफ बी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उपसमुच्चय समझ में आ गया। अब मान लेते हैं बेटा एक रिलेशन हम लेते हैं, आर इज इक्वल टू वन कामा टू टू कामा फोर। मान लेते हैं कि ए और बी में ए और बी जो कर रहे हैं बेटा रिलेट कर रहे हैं किसी संबंध के आर के द्वारा, वन कामा टू और टू कामा फोर। तो हम क्या देखते हैं, अगर ए क्रॉस बी का एलिमेंट देखें तो वन कामा टू और टू कामा फोर ये क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। यानी कि जो आपका R है इसका पूरा का पूरा एलिमेंट A क्रॉस B में उपस्थित है। यानी कि जो R है हम बोल सकते हैं R सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बेटा फिर से डिफिनेशन एक बार और क्लियर कर लेते हैं। यदि A और B कोई दो क्या है बेटा, समुच्चय हैं। यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किसी संबंध के द्वारा, यानी कि अगर अगर A और B कोई दो समुच्चय हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं A क्रॉस B, तो बेटा क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या, ए क्रॉस बी का कोई सबसेट निकालो आर, वो क्या कहलाएगा, ए से बी में एक संबंध कहलाता है। ठीक है, तो फंक्शन की बात हम कर रहे थे। फंक्शन क्या था बेटा, फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट की बात होती है बेटा, जितने भी रिलेशन है सारे के सारे रिलेशन आपके फंक्शन नहीं होंगे, सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, बट सारा का सारा फंक्शन क्या होगा, एक रिलेशन होगा। यानी कि जितने फलन हैं वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, संबंध होंगे, बट सभी संबंध फलन नहीं होते हैं। अब डिफिनेशन फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन हमने क्या बताया बेटा, यदि ए और बी कोई दो क्या है, अरिक्त समुच्चय है। ठीक है बेटा, अगर ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय है तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अगर किसी संबंध के द्वारा समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित है तो उसे क्या कहते हैं, हम फलन कहते हैं। सपोज एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू एक आपको सेट दे दिया 1 2 3 4, और b इज इक्वल टू एक आपको सेट दे दिया जाए 2 4 6 8 और 10, ये सेट दे दिया जाए। और fx बेटा मान लेते हैं इसमें कोई आपका फंक्शन है, fx इज इक्वल टू 2x, इनकी मैपिंग बनाते हैं। इस सपोज करते हैं सेट ए है और सेट क्या है, बी है। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट 2 4 6 8 और 10 है, और बेटा एक किसी संबंध एफ एक्स इक्वल टू 2x से क्या है, रिलेट कर रहे हैं। अब देखो तो यहां पे क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो क्या आएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 की प्लेस पर, एक्स की प्लेस पर क्या रखना है 1, 2 कितना आ गया आपका 2। यानी कि जो 1 है वो किससे रिलेट कर रहा है, 2 से रिलेट कर रहा है। अगर इसी प्लेस में हम एफ एक्स के प्लेस में एक्स की प्लेस में हम कितना पुट करें, 2 पुट करें, तो क्या आएगा बेटा, 2 × 2 = 2 × 4। यानी 2 किससे रिलेट कर रहा है, 4 से रिलेट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसी एफ एक्स में एक्स की प्लेस पर 3 पुट करते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, 2 × 3, 3 × 2 = क्या हो गया बेटा आपका 6। यानी 3 किससे रिलेट कर रहा है, 6 से। अब x की प्लेस में हम 4 रखते हैं तो क्या होगा, 4 × 2 × 4 = क्या होगा बेटा, 8। यानी 4 किससे रिलेट कर रहा है, 8 से रिलेट कर रहा है। ये बेटा हमने मैपिंग बनाई। अब जो डिफिनेशन थी उसको जरा क्या करते हैं, सेटिस्फाइज पे करते हैं। डिफिनेशन हमने क्या बताया बेटा, अगर a और b कोई दो क्या है आपके अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय हैं क्योंकि इसमें भी एलिमेंट है और इसमें भी क्या है, एलिमेंट आपको दिया गया है। और a जो समुच्चय बेटा a है वो किसी संबंध एफ एक्स यानी कि 2x = किसी संबंध के द्वारा, किसी संबंध द्वारा b से क्या है, संबंधित है। ठीक है बेटा, किसी संबंध द्वारा b से क्या है, संबंधित है, और b के अद्वितीय अवयव से संबंधित है, तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे। तो फलन के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जाननी चाहिए बेटा वो क्या होना चाहिए, देखो भी फंक्शन के हम डोमेन रेंज आपको बताएंगे। यानी जो सेट आपका a है, सेट a का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। यानी कि सेट a का प्रत्येक एलिमेंट सेट b के एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। एक चीज और, सेट a का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। एक चीज बेटा और देखते हैं, यानी कि जो सेट a का एलिमेंट है उसकी अगर बेटा इमेज देखें तो सेट b में केवल यूनिक इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर सेट a का कोई भी एलिमेंट है उस सेट b के केवल एक एलिमेंट से के साथ जुड़ेगा। यानी कि बेटा ऐसा केस नहीं बनेगा जैसे 1 2 और इधर कितना आ गया आपका ab, ऐसा नहीं कि 1 इसके साथ जुड़ जाए और 1 b के साथ जुड़ जाए।
ए केस क्या होते हैं, फंक्शन के नहीं होते। फंक्शन क्या होगा बेटा, हमने क्या बताया कि जो आपका समुच्चय है समुच्चय ए का समुच्चय बी में केवल क्या होगा बेटा, अद्वितीय अवयव होगा, मतलब केवल एक अवयव होगा, एक से अधिक अवयव नहीं होंगे। तो फंक्शन क्लियर, सेट बी का एलिमेंट खाली हो सकता है लेकिन सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। अब कुछ बेटा फंक्शन की, फंक्शन क्लियर हुआ। फंक्शन में कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, उनको सीखने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और उसकी कोडोमेन क्या होती है। तो फलन की, फलन का प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत, तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। अब हम सीखते हैं फलन का प्रांत, परिसर और सहप्रांत। सपोज देखो बेटा, अगर कोई फंक्शन, जैसे मान लीजिए कि ए और बी कोई दो आपको समुच्चय दिए गए हैं और एफ क्या है बेटा, ए से बी में एक फलन है, इसको मैथमेटिकल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अर्थात एफ क्या है, ए से बी में एक संबंध, सॉरी एक फलन है। इसको जो कोई फंक्शन होगा बेटा, फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f such that a tends to b। इसका मीनिंग क्या होगी, f a से b में क्या है आपका संबंध है। अब बेटा हम बात कर लेते हैं डिफिनेशन ऑफ प्रांत की, जो प्रांत की डिफिनेशन होती है, डोमेन की डिफिनेशन क्या होती है, किसी फंक्शन का डोमेन क्या होगा। सपोज करते हैं बेटा कि f क्या है, a से b में एक संबंध है, f बेटा a से b में एक संबंध है, तो f के प्रथम घटक के समुच्चय को, f के बेटा प्रथम घटक के समुच्चय को क्या बोलते हैं, प्रथम घटक के समुच्चय को यफ का क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। तो प्रांत की डिफिनेशन क्या है बेटा, अगर यफ ए से बी में एक संबंध है तो यफ के प्रथम घटक के समुच्चय को यफ का क्या बोलते हैं, प्रांत कहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कि आपको यहां पर एक 1 2 3 और ए बी सी, मान लेते हैं ए सेट ए आ गया, ए बी आ गया, किसी संबंध एफ के द्वारा, ये क्या है बेटा कोई फंक्शन, इनमें क्या है, किसी संबंध एफ एक्स के द्वारा क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अगर एक इसके साथ जुड़ गया, ए इसके साथ, ए इसके साथ जुड़ गया, तो अगर बेटा हम एफ एक्स की वैल्यूज लिखें तो क्या आएंगी, एफ एक्स का अगर एलिमेंट लिखें तो 1 किससे रिलेट कर रहा है, एक से, तो क्या लिखेंगे 1, a। 2 किससे रिलेट कर रहा है, बी से, तो 2, b। और 3 किससे रिलेट कर रहा है, सी से, क्या लिखेंगे 3, c। बेटा हमने डिफिनेशन क्या बताई कि अगर यफ क्या है, ए से बी में एक संबंध है, अगर यफ ए से बी में एक संबंध है तो यफ के प्रथम घटक के समुच्चय को क्या बोलेंगे बेटा, यफ का प्रांत कहते हैं। प्रथम घटक का मतलब देखो बेटा, जैसे कोई एलिमेंट लिखते कार्टेशियन प्रोडक्ट में, आप क्या लिखते हो, x, y, x को क्या बोलते हैं प्रथम घटक और y को क्या बोलते हैं द्वितीय। तो ये जो आपका ए, देखो ए बेटा क्या हो गया, हम लिखते हैं इसका प्रांत, तो प्रांत जब लिखेंगे यहां पर तो प्रांत क्या आएगा, प्रथम घटक का समुच्चय, तो प्रथम घटक के समुच्चय लिखते हैं, पहला घटक क्या हो गया बेटा आपका 1 और इधर कितना आ गया आपका 2 और ये क्या हो गया आपका 3। तो ए क्या कहलाएगा आपका, एफ एक्स का प्रांत कहलाता है। यानी कि ये चीज थोड़ा बेटा आपको जब दिख नहीं रही, थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं। इसे देखिए एफ एक्स की वैल्यूज क्या आएगी, अब देखो बेटा यहां पर इसका सेट लिखे तो क्या आएगा, देखो जो आपका ए है, ए किससे रिलेट कर रहा है, ए के साथ, यानी कि 1 किसके साथ रिलेट किया, ए के साथ, 2 किसके साथ रिलेट कर रहा है, बी के साथ, तो 2, क्या हो जाएगा आपका बी, और 3 किसके साथ रिलेट कर रहा है, सी के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका 3, c। डिफिनेशन एक बार फिर से अगर रिपीट करें तो प्रांत क्या होगा बेटा, कि अगर यफ क्या है, ए से बी में एक संबंध है तो यफ के प्रथम घटक के समुच्चय को यफ का क्या कहते हैं बेटा, प्रांत कहते हैं। तो प्रथम घटक का समुच्चय हमने निकाला कितना आ गया, 1 और इधर का 2 और क्या हो गया बेटा 3, ये क्या कहलाएगा, यफ का प्रांत कहलाता है। प्रांत को बेटा हम क्या करते हैं, डोम
एफ से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसे डोम एफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो प्रांत क्लियर हुआ। अब हम सीखते हैं किसी फलन का परिसर क्या होगा, यानी कि रेंज उसकी। रेंज क्या होता है बेटा, अगर एफ ए से बी में एक संबंध है, सॉरी संबंध नहीं फलन लेंगे, अगर एफ क्या है, ए से बी में एक फलन है, तो एफ के द्वितीय घटक के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं बेटा, एफ का परिसर कहते हैं। बात के लिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर एफ क्या है बेटा, ए से बी में एक संबंध है, अगर एफ ए से बी में एक सॉरी फलन है, तो एफ के द्वितीय घटक के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, उस फलन का सॉरी उस फंक्शन का उस फलन का क्या बोलेंगे, सहप्रांत कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ जैसे बेटा मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू आपको यहाँ पर हमने लिखा एक फंक्शन मान लेते हैं दिया है, फलन है कि 1a, 2b, 3c। तो अगर एफ का हमको क्या लिखना है, परिसर लिखना है, तो परिसर इसका क्या होगा बेटा आपका, हमने क्या बताया अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो एफ एक्स के द्वितीय घटक के समुच्चय को एफ का क्या कहते हैं बेटा, परिसर कहते हैं। यानी कि क्या होगा आपका ए, दूसरा घटक का समुच्चय ए कॉमा क्या हो गया बी कॉमा क्या आ गया आपका सी, यानी कि एफ के दूसरे घटक के समुच्चय को क्या बोलेंगे, एफ का परिसर कहते हैं। दैट इज क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम सीखेंगे क्या बेटा आपका, सहप्रांत क्या होता है। सहप्रांत मतलब कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होते हैं बेटा, अगर यफ क्या है बेटा, यफ ए से बी में एक संबंध है, सॉरी फलन है, अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें एफ सच दैट ए टेंस टू बी, अगर यफ क्या है ए से बी में एक संबंध है बेटा, तो समुच्चय बी के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, फलन एफ का सहप्रांत बोलेंगे। कैसे बेटा, एक एग्जांपल के साथ हम पूरा समझ लेते हैं। तो बात क्लियर है, अगर यफ क्या है ए से बी में एक संबंध है, तो बेटा जो समुच्चय बी होगा पूरा का पूरा समुच्चय बी इस फलन एफ का क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा, सॉरी सहप्रांत कहलाएगा। यानी कि अगर ए और बी कोई दो आपको समुच्चय दिए गए जिनमें एक फलन क्या है आपका एफ है, यानी कि ए से बी में अगर एक फलन हमको एफ दिया गया है, तो जो समुच्चय बी वाला एलिमेंट होगा, तो समुच्चय बी के सभी एलिमेंट का समुच्चय जो निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, एफ का सहप्रांत कहलाता है। एक एग्जाम्पल के साथ हम प्रांत परिसर और सहप्रांत तीनों क्या करते हैं बेटा, क्लियर करते हैं। एक फंक्शन का सपोज करते हैं, अगर मान लेते हैं ए बराबर आपको एक सेट दे दिया और है क्या माइनस का टू माइनस का वन जीरो वन कामा टू, ये हो गया। बी बराबर आपको समुच्चय दे दिया जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात। अगर एक समुच्चय दिया है बेटा ए बराबर इसका जिसके एलिमेंट क्या है माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, और एक समुच्चय बी दिया गया जिसके अवयव क्या है जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात, और इनके बीच में एक संबंध दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब ये संबंध देखते हैं फलन होगा कि नहीं होगा, फलन होगा तो इसकी डोमेन क्या होंगी, इसकी रेंज क्या आएंगी। तो हम इसका क्या कहते हैं डायग्राम अगर शो करें, ए समुच्चय ए हो गया और ये समुच्चय आपका बी दे दिया गया जिनके बीच में बेटा एक संबंध क्या है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इसके एलिमेंट लिखते हैं क्या होगा आपका माइनस का टू माइनस का वन जीरो और वन टू, और इधर बी का एलिमेंट जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। बेटा देखो चलिए देखते हैं, अब यहां पर बेटा क्या करते हैं एफ एक्स की एक्स की प्लेस में हमको क्या रखना है बेटा माइनस का टू, एक्स की प्लेस में माइनस टू रखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा माइनस टू का स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा फोर होगा, यानी कि माइनस टू किससे रिलेट कर रहा है बेटा फोर से। माइनस वन रखते हैं एक्स की प्लेस में, अगर माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर मतलब एक आएगा, तो यहां पर माइनस वन का स्क्वायर क्या एक, यानी कि माइनस वन किससे रिलेट कर रहा है एक से। जीरो रखेंगे, अगर एक्स की प्लेस में हम जीरो पुट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो, यानी कि जीरो किससे रिलेट कर रहा है जीरो से। अब एक्स की प्लेस में हम वन पुट करते हैं तो क्या आएगा वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यानी कि वन किससे रिलेट कर रहा है बेटा वन से। अब टू रख के चेक कर लेते हैं,
तो टू का स्क्वायर, टू टू जा क्या हो जाएगा फोर, यानी टू वी किससे रिलेट कर रहा है फोर से। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस पर फंक्शन देखते हैं एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फंक्शन के लिए हम क्या जानते हैं, यानी कि जो हमने मैपिंग बनाई है, जो हमारा फलन है, जो हमारा संबंध दिया गया है, फलन है कि फलन नहीं है। तो फलन कब होगा, जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल एक अवयव के साथ जुड़ा होगा, ठीक है बेटा। और समुच्चय ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि समुच्चय ए के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज समुच्चय बी में हमको मिलना चाहिए, यानी कि इसका कोई ना कोई प्रतिचित्रण बेटा इसमें होना चाहिए। चलिए देखते हैं, अब यहां पर कितना माइनस टू, माइनस टू किससे किसके साथ जुड़ा बेटा, माइनस मतलब फोर के साथ जुड़ा। तो माइनस टू सिर्फ फोर के साथ जुड़ रहा है और किसी के साथ नहीं जुड़ रहा है। आगे देखते हैं माइनस वन, माइनस वन किससे रिलेट कर रहा है एक से। तो माइनस वन बेटा एक के साथ जुड़ा और किसी के साथ नहीं जुड़ा। इसी तरह जीरो, जीरो किसके साथ जुड़ा, जीरो के साथ जुड़ा और किसी के साथ नहीं जुड़ा। वन किससे किसके साथ जुड़ रहा है, वन के साथ जुड़ रहा है और किसी के साथ नहीं जुड़ रहा है। टू किसके साथ जुड़ा, फोर के साथ और किसी के साथ नहीं जुड़ा। और बेटा देखते हैं, यानी कि यहाँ पर जो समुच्चय ए है इसका समुच्चय बी में क्या है बेटा, केवल एक इमेज है और समुच्चय ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं, यानी कि क्या कर रहा है फंक्शन की डिफिनेशन को एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि ए क्या बेटा आपका एक फंक्शन है, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए से बी में एक क्या है फलन, ठीक है। अब इस फलन के हमको क्या निकालना है बेटा, डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, इस समुच्चय आर के, जो समुच्चय आर दिया, सॉरी जो समुच्चय है समुच्चय ए को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। और समुच्चय बी को इस फंक्शन का क्या बोलते हैं, सॉरी कोडोमेन बोलते हैं। यानी कि समुच्चय ए जो है बेटा वो क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा आपका डोमेन कहलाएगा, और समुच्चय बी का जितने भी एलिमेंट हो क्या कहलाएंगे आपके कोडोमेन। और समुच्चय के बी के बेटा जो जो एलिमेंट समुच्चय ए के अवयव के साथ जुड़े हैं उन्हें इस फंक्शन का क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, सॉरी यानी कि परिसर यानी कि प्रांत होगा, यानी कि रेंज आएंगे। तो चलो हम एक काम करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखते हैं एक बार फंक्शन क्या आएगा। तो देखो बेटा माइनस टू किसके साथ जुड़ा, फोर के, माइनस टू का क्या हो जाएगा फोर, यहां पे लिखते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू इसका अगर समुच्चय बनाए तो यहां पर क्या है, माइनस टू किसके साथ जुड़ा है बेटा फोर के साथ, माइनस टू कामा फोर। और माइनस वन किसके साथ जुड़ रहा है, वन के साथ जुड़ रहा है, ये क्या होगा माइनस वन कामा वन। जीरो किसके साथ जुड़ा है, जीरो के साथ, तो जीरो कामा जीरो। एक किसके साथ जुड़ा है बेटा एक के साथ, ये क्या हो जाएगा वन कामा वन। और देखें फिर क्या हो गया बेटा, टू टू किसके साथ जुड़ा, फोर के साथ, टू कामा क्या हो गया आपको बेटा। प्रांत क्या था, हमने क्या बताया कि इसके यफ के प्रथम घटक के समुच्चय को यफ का क्या बोलेंगे, प्रांत बोलेंगे। इसका प्रांत लिखते हैं डोमेन, तो क्या होगा प्रथम घटक का समुच्चय निकालते हैं, ये क्या बेटा आपका माइनस का टू और माइनस का वन और जीरो और क्या हो गया आपका वन और क्या आ गया आपका टू। प्रथम घटक का समुच्चय निकल के आ गया आपका प्रांत सहप्रांत, और उसके बाद इसका परिसर निकालते हैं, परिसर क्या होंगे आपके रेंज। इसके दूसरे घटक के समुच्चय किसका क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, मतलब चार और एक, जीरो एक और चार। एक चीज और, अब यहां पे देखो बेटा एक आपका दो बार, चार दो बार है, तो समुच्चय में क्या लिखते हैं, कोई भी एलिमेंट को केवल कितनी बार लिखते हैं एक बार। तो रेंज क्या निकल के आएगी आपकी, इधर देखो कितना हो गया आपका चार और एक और क्या हो जाएंगे आपके जीरो। शाह प्रांत क्या निकल के आएगा, कोडोमेन। इस पूरे पूरे समुच्चय बी को क्या बोलते हैं बेटा, इसका आई एफ का क्या कहलाएगा आपका, सहप्रांत कहलाएगा, मतलब जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात, ये आपके क्या हो जाएंगे आपके कोडोमेन। तो आपको इस फलन समझ में आया, फलन का बेटा प्रांत परिसर और सहप्रांत, ये क्लियर है। कल हम आपको फंक्शन का टाइप पढ़ाएंगे, फंक्शन के टाइप बताने के बाद आपको इनवर्स फंक्शन बताएंगे, इनवर्स फंक्शन बताने के बाद प्रतिलोम, सॉरी बेटा जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ने से पहले हम त्रिकोणमिति फलन पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, फिर उसके क्या करेंगे फार्मूले सीखेंगे, फार्मूले का प्रूफिंग सीखेंगे, फिर अपनी एक्सरसाइज पर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तब तक आप क्या करना, आज के लिए आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था, आप क्या करना बेटा फंक्शन क्लियर करना, डोमेन रेंज आपको क्लियर होने चाहिए, और आप क्या करना आपके होमवर्क के लिए कि आप त्रिकोणमिति के इलेवंथ के जितने भी फार्मूले हैं उसको क्या करना प्रिपेयर करना। तो बस आज की क्लास बस इतना ही।